बस ये है पार्क का एंट्री गेट, जहाँ से हम लोग चलने वाले अंदर की साइड पे CISF के द्वारा यहाँ पे होती है, और यहाँ से आप लोग क्रॉस करने के बाद यहाँ पे आते हैं। एंड ये फ्री है जितना भी चीज है। जहाँ पे ज्योति जल रही है सामने की साइड, उनकी समाधि पे जहाँ पे हे राम लिखा है, ये है बापूजी की समाधि। हम लोग वहाँ से ऊपर की साइड आए हैं और चलते हैं अब सामने की साइड, कुतुब मीनार। भाई हमने कुतुब मीनार ला के सामने गाड़ दिया है। हेलो सर, वेयर आर यू फ्रॉम? इटली। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल, उम्मीद होगी बढ़िया और मस्त होंगे। आज मैं आ चुका हूँ दिल्ली के नियर बाई राजघाट पार्क में। तो आइए आपको एक वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं हम। तो चलिए आपको ले चलता हूँ अंदर की साइड, वहाँ का पूरा व्यू दिखाता हूँ, कैसा है स्ट्रक्चर वहाँ पे और कैसा है पार्क का व्यू। तो चलिए दिखाते हैं आपको अंदर की साइड में। बस ये है पार्क का एंट्री गेट, जहाँ से हम लोग चलने वाले अंदर की साइड पे। ये एंट्री गेट पे राजघाट, गांधी की समाधि और महात्मा गांधी के बारे में ये चीज़ें यहाँ पे दर्शाई गई हैं, आपके सामने जो देख पा रहे हैं बोर्ड। और ये है यहाँ का मेन पार्क का गेट, जहाँ से हम लोग अंदर चलने वाले हैं। आने के बाद आपका होता है यहाँ पे एंट्री चेकअप, जो कि सुरक्षा के चेकअप CISF के द्वारा यहाँ पे होती है, और यहाँ से आप लोग क्रॉस करने के बाद यहाँ पे आते हैं। और जस्ट आप सामने की साइड आएंगे तो ये गार्डन आ जाएंगे आपके सामने की साइड, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड दोनों पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हर चीज़ें दर्शाई गई हैं, उनके सुविचार लिखे गए हैं। सच्चा सुख बाहर से नहीं मिलता, अंतर से ही मिलता है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। तो ये सब चीज़ें आप गार्डन में देख रहे हैं। बीच में कुछ चीज़ें मतलब हो रही हैं डेवलपमेंट, क्या हो रहा है हमको तो नहीं पता, बट पाइप ये टूट चुकी थी, उस पाइप को यहाँ से निकाला गया है और इंटरचेंज होने वाला है यहाँ से। और इधर देखेंगे तो बीच में फाउंटेन भी बनाए गए हैं सामने की साइड, जो कि अभी ये बंद है और ना ही इसमें पानी भरा गए हैं। सामने की साइड वहाँ पे चलते हैं और वहाँ का हम प्लेस दिखाते हैं सामने की साइड। और ये देखिए ऊपर की साइड, जो ऊपर का जा रहा है ये पार्क का एरिया है, जो कि यहाँ पे ग्रीन ग्रासिंग की गई है बढ़िया से, और ये बीच में पेड़ पौधे लगे हैं, जो कि बीच में डिवाइडिंग किया गया है, इधर से जाया जा रहा है उधर से आया जा रहा है, चाहे जिधर से आप जाइए उससे नहीं मतलब। और अंदर में जो बनाई गई है महात्मा गांधी जी की समाधि बनाई गई है अंदर के साइड में, जो कि हम आपको चल रहे हैं वो चीज़ आपको दिखाने आने के बाद। ये देखिए आप यहाँ पे जूते चप्पल को यहाँ पे रख सकते हैं अपना स्लीपर, एंड ये फ्री है जितना भी चीज़ है। तो इसके अंदर हम लोग चल रहे हैं, अपने जूते चप्पल को निकाल दिए हैं और अंदर के साइड चल रहे हैं। यहाँ से लेफ्ट साइड बैरिगेटिंग हुई है, हम लोग राइट साइड से होके चल रहे हैं। भाई आ गए अंदर के साइड, जहाँ पे ज्योति जल रही है सामने की साइड, उनकी समाधि पे। ऑडियंस ये देखिए जहाँ पे हे राम लिखा है, ये है बापूजी की समाधि, जहाँ पे ये शहीद हुए थे तो इनको यहीं पे दफना दिया गया था। शहीद स्थल ये जो बनाया गया है यही है जहाँ पे इनकी समाधि बनी है। और ये जो एरिया आपको दिख रहा है, इसके अंदर आप लोग जा नहीं सकते, जहाँ पे ये बैरिगेटिंग है इसके अंदर ही आप लोग रह सकते हैं। और यहाँ पे लोग पुलिस लोग हैं, जो कि ये बैरिगेटिंग इसके आगे आपको जाने नहीं देंगे, क्योंकि इसके ऊपर चारों तरफ से ये जो ऊंचाई आप देख रहे हैं इसके ऊपर पार्क डेवलपमेंट हुआ है, जो कि हम लोग चलेंगे इसके पार्क के ऊपर। और यहाँ से हम लोग निकल के चल रहे हैं ऊपर की साइड पे, जो कि अपने जूते चप्पल को पहनेंगे और चलेंगे ऊपर की साइड, आपको दिखाते हैं वहाँ का नज़ारा। दोस्तों देखिए मैं इसके ऊपर आ चुका हूँ, इस पार्क के ऊपर जो आप देख पा रहे हैं, मैंने वहाँ से आया इस पार्क के ऊपर, और जहाँ से भी मैं नीचे गया था वो समाधि वहाँ पे है जो डेवलपमेंट की गई वहाँ पे। वो हम लोग वहाँ से ऊपर की साइड आए हैं और चलते हैं अब सामने की साइड। एक कुतुब मीनार की तरह दिख रहा है, कहाँ देखना कुतुब मीनार। भाई हमने कुतुब मीनार ला के सामने गाड़ दिया है। दोस्तों ये जो डहलिया के पेड़ लगे हैं ऊपर की साइड में, समाधि के सब चारों तरफ पे लगे हैं डहलिया के पेड़, जो कि ये देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहे हैं। पार्क का जो आप एरिया देखेंगे ज़्यादा काफ़ी दूर तक है, उस साइड जितना इधर आप देख रहे हैं उस साइड भी उतना अधिक है, और सामने की साइड भी उतना चल रहा है एरिया। और यहाँ पे सामने की साइड झंडा लगा है, उसके सामने में लगा है कुछ स्टेडियम टाइप को बना है सामने की साइड, बट हमें पता नहीं है। चलते हैं आगे साइड, देखते हैं आगे क्या बनाया गया है। ये जो पेड़ है किस चीज़ का पेड़ है, आम का पेड़ है कि क्या है, ये समझ नहीं आ रहा है। ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये किस चीज़ का पेड़ है, सामने आम का है किस चीज़ का है, और ये भी सामने किस चीज़ का पेड़ है, कुछ भाई समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे। हेलो सर, वेयर आर यू फ्रॉम? इटली। इटली, यस। नाइस प्लेस, नाइस प्लेस, रियली ग्रेट प्लेस। यू आर रिकॉर्डिंग? यस, आई एम ए ब्लॉगर सर। यू आर अ ब्लॉगर? यस सर, माय यूट्यूब चैनल सर। यस आई सी दैट। यस, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज अर्पित पांडे सर। अर्पित पांडे, यस सर। एंड यू आर यूट्यूबर अबाउट व्हाट? यस, आई अबाउट यूट्यूब। ओके, गुड लक। दोस्तों मैं अभी महात्मा गांधी की समाधि से निकल के आ रहा हूँ, जहाँ पे कुछ लोगों से मिला और वो बाहर के लोग थे। और ये अभी मैं आ चुका हूँ, इधर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक बोर्ड लगा है, वीरभूमि इस साइड की तरफ है एंड किसान घाट इस साइड पे है, जो कि इधर चलेंगे। और चौधरी चरण सिंह की समाधि
जो कि इस साइड पे वो भी डेवलपमेंट की गई है। और अभी आप बीच में देख पा रहे हैं, जैसे मैं इधर से निकल रहा हूँ इस साइड पे, तो इधर पेयजल की सुविधा है जो कि आप पानी पी सकते हैं इस साइड पे। एंड टॉयलेट की बात करें तो टॉयलेट की इधर कोई हमें वो नहीं दिखाई दे रही है, टॉयलेट किधर है, बट इधर आपको ड्रिंकिंग वाटर के लिए इधर आपको मिल जाएगा सुविधा। दोस्तों मैं अभी आ चुका हूँ इस समाधि स्थल की जगह, जहाँ पे वो कौन समाधि स्थल है बता दो भाई, चौधरी देवी लाल के समाधि स्थल जो कि सामने की साइड बनी, ये किसकी है पता नहीं भाई। ये जो प्लेस है बहुत ही बेहतरीन सा लग रहा है, और यहाँ पे आने के बाद तो हमें बहुत ही मज़ा आया, और ऐसे प्लेस हमने तो आज पहली बार विजिट किया है जो कि बहुत ही बेहतरीन लगा है। तो आप लोग भी ये प्लेस विजिट कीजिए, और जैसा भी आपको लग रहा है हमारे वीडियो में कुछ भी ना सही लग रहा है, कुछ भी सही लग रहा हो, तो अगर जो भी आप लोग इसमें कुछ पूछना चाहते हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम आपके सवालों का जरूर रिप्लाई देंगे। तो चलिए मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ, तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, तो बाय बाय।